तो कर्मों पर ध्यान देना, कर्म श्रेष्ठ है। हम कर्म करने के लिए कुरुक्षेत्र में आए हैं, एक कर्म करने का धर्म है हमारा, लेकिन कर्म कैसे करते हो? श्रीमत के अनुसार कर्म करते हो तो एक का पदम गुना मिलेगा। मन मत से कर्म करते हो, एक का एक गुना मिलेगा। अभी आप पूछेंगे, कभी बाबा मुरली में कहता है श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना, ये मुझे समझ में नहीं आया, माता जी सुनाएंगे। हाँ भाई बताओ, दूध में पानी तो मिक्स कर सकते हो, श्रीमत में मन मत कैसे मिक्स होता है? वो तो देखा ही नहीं अभी, कौन सुनाएगा? श्रीमत में बाबा मुरली कहता है श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना, तो श्रीमत में मन मत कैसे मिक्स होगा? दूध में पानी मिक्स करते हैं तो पतला होगा, क्या श्रीमत पतला होगा? नहीं, तो क्या होगा उधर? हाँ अभी सुनना, अभी मैं उसका उदाहरण देता, जवाब आप देना, माता जी पहले देंगे। देखो बाबा दीदी मुरली सुना रही थी, बोले सुन बच्चे तन से सेवा करो। भाई जी मुरली सुनते सुनते सुनते, बाबा आज तन की सेवा नहीं हो सकती, मुझे नौकरी में जाना है, आज नहीं कर सकते। फिर दीदी ने मुरली सुनाई, दूसरा पॉइंट, बच्चे धन की सेवा करो। भाई जी ने देखा जेब में, हाँ 100 रुपया है, बाबा आज धन की सेवा कर सकता, तो देखता हूँ चारों तरफ क्या सेवा करो। देखो सब थोड़े बच्चे बाबा के चेहरे पर बैठे हैं, थोड़ी बुजुर्ग माता जमीन पर बैठी है, तो सोचता है मन में कि 100 रुपया में एक चेयर आ सकती, कुर्सी आ सकती, तो सीधा उठ के मार्केट में गया, एक चेयर लिया, लाके सेंटर में रख दिया, धन की सेवा हो गई ना, तन की तो नहीं हुई। उसने कहा मुरली सुनते सुनते, बाबा तन की सेवा आज नहीं हो सकती, नौकरी में जाना, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। तो बाबा ने तुरंत कहा बच्चे धन की सेवा करो। हाँ देखा जेब में 100 रुपया है, तो धन की सेवा करता हूं चलेगा ना? अब बताओ माता जी, मन तन से तो नहीं हुआ, धन से तो सेवा किया, मार्केट में जाके 100 रुपया में एक ही, उसकी ताकत 100 रुपया है, एक चेयर लाके रख दिया, तो चलेगा नहीं चलेगा? माता जी का बाबा अगर मुझे सुनाता है। हाँ पिताजी बताओ, भाई बताओ, दीदी को पूछना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जगह है ही नहीं, कुर्सियां रखी हुई ऑलरेडी पहले से। श्रीमत दीदी का है कि बाबा का है? बाबा की मूल्य है ना, बाबा ने मूल्य में कहा श्रीमत है कि श्रीमत है? श्रीमत है, श्रीमत तो मूल्य है, मुरली के अनुसार किया। अब ये भाई दूसरा आया, ये कहता है दीदी को पूछ लो, और बहन जी कहती है नहीं जो कर रहे हो सही कर रहे। अब ये दो लोगों को दो अलग मुरली सुनाता है क्या? चलो माता जी सही बताते, माता जी बताओ क्या करना चाहिए? आपने कहा श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं, अभी मुरली में आया श्रीमत, बच्चे तन से सेवा करो, नहीं बाबा नहीं कर सकते, सीधा सीधा बाबा ने कहा धन से सेवा करो, हाँ कर सकता हूँ, तो धन से सेवा किया तो गलत क्या होगा? चलेगा ना? चलो माता जी सुनती विशाल बताओ, हाँ उसके समझ 100 रुपए थे, एक ही चेयर ला सकते हो, सेंटर में तो 100 चाहिए, लेकिन उसकी ताकत नहीं, उसकी ताकत एक चेयर एक ला के रखा, चलेगा ना? हाँ बाबा स्वीकार करेगा। देखो माता गुरु ने छुट्टी दिया, अब भाई बताओ, पिता गुरु बताओ, हाँ माता गुरु ने छुट्टी दी, बाबा स्वीकार करेगा, अब बताओ नहीं। इसलिए कहा श्रीमत में मन मत मिक्स कैसे होता है, समझ तो में नहीं आता, इसलिए उदाहरण दिया। देखो श्रीमत भाई ने सही बोला, लेकिन स्पष्ट करना चाहिए, श्रीमत मूल्य है, मूल्य सुनकर आप बाहर कुछ नहीं कर सकते, श्रीमत है। अगर यहां श्रीमत के अनुसार कुछ करना चाहते हो, यहां निमित्त कोई आत्मा है, इसकी व्यवस्था करने वाली कोई आत्मा है, तो उनको पूछना है, मुझे बाबा के मूल्य से विचार आया, श्रीमत मिला कि बच्चे धन से सेवा करो, तो मेरे मन में विचार आया मैं 100 रुपया का एक चेयर लेके, अरे भैया बहुत चेयर्स है, रखने के जगह नहीं है, आप 100 रुपया भंडारे में डालो, एक का पदम गुना जमा हुआ। अगर आपने पूछा नहीं, मार्केट में जाके एक चेयर लाके रख दिया, पहले 100 चेयर है, रखने जाओ आपका कोई काम का नहीं, एक का एक गुना मिलेगा। अगर यहां कुछ करते हो तो निमित्त आत्मा को पूछना चाहिए, ज्ञान सुनकर सीमित है, बाहर कुछ भी करो, ये किसी को समझ में नहीं आता। और एक उदाहरण बताता हूं, देखो दोनों भाई है, दोनों भाइयों के पास 100-100 रुपया है, और समझ करता देख, दोनों 100 रुपया दोनों एक ही बैंक में गए, और पहले वाले भाई ने दिया बैंक वाले को दिया मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो, दूसरे भाई ने कहा मेरा 100 रुपया 1 साल के लिए बैंक में रख दो। अभी 1 साल के बाद दोनों गए,
इसको पहले वाले भाई को 100 रुपया दिया, दूसरे वाले भाई को 110 रुपया दिया। अब दोनों बैंक वाले से लड़ाई करने लगे, मैंने भी आपको 100 रुपया दिया था, उसने भी 100 रुपया, उसको 110 क्यों दिया बताओ। हाँ, इसमें पूछा जाए, थोड़ा पढ़े लिखे तो जवाब दे सकते। उसने 100 रुपया बैंक में रखा, सेविंग अकाउंट, कोई इंटरेस्ट नहीं। इसने क्या एक शब्द यूज किया, एक साल फिक्स डिपॉजिट हो गया है ना, 10% इंटरेस्ट मिल गया। आप कभी भंडारे में पैसे डालते हो, बाबा ये बहन जी ने कहा था सेवा के लिए पैसे डालो भंडारे में, तो बहन जी को याद करते हुए भंडारे में डाला, बहन जी देंगे रिटर्न। अगर बाबा को याद है, बाबा ये आपकी सेवा के लिए बाबा ने वादा किया, एक का बदल गुना दूंगा, दोनों सेवा करते हैं, दोनों पैसे भंडारे में डालते हैं, एक की स्मृति में, बहन जी ने कहा था जिसकी स्मृति, किसके स्मृति में सेवा कर रहे हो, एक की स्मृति में, शुभ बाबा ये आपकी सेवा के लिए, शुभ बाबा ने वादा किया एक का कदम गुना मैं दूंगा, बहन जी ने वादा नहीं किया, कर्म दोनों करते हैं, किस स्मृति में कर रहे हो। पहले भी कहा माता जी घर में भी खाना बनाती है, फैक्ट्री में बहन जी भी खाना बनाती है, दोनों में अंतर क्या है। माता जी खाना बनाते समय बच्चे के लिए ये अच्छा लग रहा, मेरे पति के लिए अच्छा लग रहा है ना, और सेंटर में बहन जी भी खाना बनाती है, तो उस समय बाबा को भोग लगा है, बाबा को क्या अच्छा लग रहा है, दोनों में अंतर। सेवा वही, किस स्मृति में सेवा कर रहे हो। एक को पदम गुना, एक देवी बन करके मंदिर में पूजा जाता है, एक माता जी सवेरे से रात तक झाड़ू लगा रहे, कपड़े धो रहे, खाना बना रहे, दोनों में अंतर। भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया, आपके कर्मों से देवी बन जाती है, एक और कुछ बन